हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे बच्चे आप लोग? बेटा, आज के लेक्चर में हम लास्ट जो पॉइंट बचा हुआ है किसका, कॉडिसम केमिस्ट्री का जो लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है, लास्ट पॉइंट को आप थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली में चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, थोड़ा सा जो पार्ट बचा हुआ है सीएफटी का वो हम डिस्कस कर लेंगे तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं जो बचे हुए पार्ट से। ठीक है बेटा, हाँ तो चलो सबसे पहले लिख लो आप यहाँ पे हमने ये लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है। तो ये लेक्चर नंबर हमारा 11 है बेटा। किसका? कॉर्डिनेशन कंपाउंड है। तो लिख लो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर कौन सा हमारा? ये लेक्चर हमारा है जी 12, 11, 11, 13 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके। तो हमने 10 नंबर लेक्चर में लास्ट में मैं देखा था किसके बारे में, तो हमने देखा था सीएफटी फॉर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस। क्या देखा था? सीएफटी फॉर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस। तो मैंने आप लोगों को बोला भी था कि सीएफटी ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, कैसे डीजनरेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, कैसे T2G बनता है, कैसे EG बनता है, कैसे हम सीएफएसजी फाइंड कर, मैंने डिटेल में बता दिया था। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे सीएफटी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड सीएफटी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, जो कि इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन। अगर आप सीएफएसी का कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पे। ठीक है ना, तो चलो उसके बारे में देखते हैं, तो वन बाय वन करके देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आते हैं इस पे, JEE में आते हैं, नीट में भी आते हैं क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे देखो, हेडिंग में सीएफटी मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल क्या कॉम्प्लेक्सेस, यानी जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स उनके लिए। तो अगर मैं आप लोग को एक लाइन में बोल दूं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प, पहले बता देना, एक लाइन में बता देना चाहता हूं कि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटा, उनका जो सीएफटी जो स्ट्रक्चर होता है वो अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है। किनका अपोजिट होता है भाई? तो इनका जो क्या होता है, ये अपोजिट होता है। किनका अपोजिट होता है? तो ये अपोजिट होता है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑलमोस्ट मतलब पूरा नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर आपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का अगर आपने समझ लिया है तो आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का भी समझ में आ ही जाएगा, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने अगर अच्छे से अगर ऑक्टाहेड्रल के बारे में समझ लिया होगा। ठीक है ना, तो देखो डिफरेंस क्या है यहाँ पे। देखो सबसे पहली बात ये बताता हूँ कि चलो ऑक्टाहेड्रल जिसको आता है तो उसको टेट्राहेड्रल को रिवर्स कर लेना हमको। हाँ, सिर्फ एनर्जी का डिफरेंस आता है, T2G एंड EG का वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस आता है। तो देखो यहाँ पे हम बनाते हैं स्ट्रक्चर वही, तो ये 5 डीजनरेटेड ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 डीजनरेटेड ऑर्बिटल है। फिर से भाई ये स्प्लिट हो जाएंगे, किसमें स्प्लिट हो जाएंगे भाई? ये देखो यहां पे ये एवरेज एनर्जी है, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे। कौन से पार्ट में? अब देखो यहां पे ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में क्या था, पहले ईजी था, नीचे टू जी था, अब यहां पर उल्टा हो जाएगा। यहां पे क्या हो गया, यहां पे पहले क्या हो गया, यहां पे T2G एंड देन फिर क्या हो गया बेटा, यहां पे हो जाएगा आपका ईजी। अब ऐसा सबसे पहला बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं सर ऐसा क्यों होगा? अब इसका आंसर भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि ऐसा क्यों होगा, आखिर अपोजिट क्यों होता है। इसको हम बोलते हैं T2G, दिस इज कॉल्ड T2G एंड दिस इज कॉल्ड ईजी। सभी को मैंने बताया था कि T2G में कौन कौन होंगे और EG में कौन होंगे। एक बार फिर देखो, T2G होते हैं वो जनरली प्रेफर क्या करते हैं, जनरली वैसे T2G जो कॉम्प्लेक्स के जो लिगेंड्स होते हैं वो वैसे ऑर्बिटल्स को प्रेफर करते हैं डी जनरेटेड के, जो क्या होते हैं, जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं? बिटवीन द एक्सिस, यानी बिटवीन द एक्सिस का मतलब क्या, जो एक्स एंड वाई प्लेन के क्या होंगे, बीच में होंगे, या एक्स एंड जेड प्लेन के क्या होंगे, बीच में होंगे, तो या वाई एंड जेड के बीच में। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जो बीच में होंगे, यानी किसके बीच में होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वाई एक्सिस जेड एक्सिस के बीच, उनको क्या, उनको इस तरफ ही क्या प्रेफर करते हैं यहाँ पे। तो इस कारण से क्या होता है यहाँ पे, T2G में क्या होता है कि मिनिमम एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, लेकिन स्टेबिलिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। ध्यान सुना यहाँ पे क्वेश्चन ये कि रिवर्स क्यों होता है, तो रिवर्स इसलिए होता है, एक लाइन में आंसर इसका होगा, ऑक्टेटल का रिवर्स क्यों है, इसमें क्यों T2G ऊपर गया, इजी नीचे क्यों गया, तो इसका एक लाइन में आंसर ये होगा कि T2G जो होता है, T2G जो होता है वो आप क्या क्या आता है, DXY, DYZ, DXZ, और ये तीनों क्या होते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था डायग्राम बनाकर, तीनों क्या होते हैं, बिटवीन द क्या होता है, एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कहने एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, तो इनके बीच की तरफ क्या करती है, प्रिफर्ड करते हैं। इसलिए क्या होते हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है T2G। और ये क्या होते हैं यहाँ पे, ये जो होते हैं क्या, ये क्या है देखो हमारे, ये क्या हमारा ईजी है, इसको क्या बोलते बेटा, ईजी बोलते हैं। अब ईजी में कौन होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जे स्क्वायर। और ये हमारा क्या होगा भाई, तो ये हमारा होगा डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, सबको पता है। और ये तीनों जो होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं अलोंग द एक्सिस होते हैं, एक्सिस के साथ में होते हैं। डायग्राम मैंने बता दिया था सबको, और मुझे नहीं लगता है कि फिर से डायग्राम बनाने की जरूरत है, सबको बताया था मैंने, जब मैं ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स का बता रहा था तो मैंने बताया था कि डी के कैसे और बेटर डायग्राम बनते हैं, डी एक्स वाई के लिए, डी वाई जेड के लिए, डी एक्स जेड के लिए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर के लिए, पूरा बता दिया वीडियो में। तो बस उसी को बेस मान के मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जो एनर्जी का जो गैपिंग है वो देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले बता दिया था कि इसको वही फिर से हम डेल्टा नॉट टी तो लेंगे, यहाँ पे डिनोट करेंगे यहाँ पे। अब ये जो है बेटा देखो, ध्यान देखना यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं बारी सेंटर, मैंने पिछले लेक्चर में बोला था ऑक्टेंडल कॉम्प्लेक्स बारी सेंटर बोलते हैं। अब यहाँ पे चूंकि उल्टा हो गया तो इसका वैल्यू क्या होगा, -0.6, क्या होता है -0.6, इजी क्या आता है वैल्यू, जबकि इसका वैल्यू क्या आता है पहले ज्यादा है, तो इसका वैल्यू कितना आता है 0.4 आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप सीएफएसी कैलकुलेट करोगे तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का तो अलग आएगा, ऑक्टाहेड्रल का क्या आएगा, अलग आएगा, चाहे हम वीक फिल लिगेंड्स की बात करें या स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड्स की बात करें। अब यहाँ पे इसका पढ़ने का मेन पर्पस है हमको सीएफएसी का कैलकुलेशन करना, किसके लिए, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अब अगर आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अगर आप सीएफएसी का कैलकुलेशन करते हो तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, -0.6 -0.6 जो इसका वैल्यू है यहाँ पे -0.6 वाई प्लस ये क्या बनेगा यहाँ पे 0.4, ये क्या बनेगा यहाँ पे एक्स। इस वैल्यू से हम +0.8, इस वैल्यू से हम आसानी से सीएफएसी का वैल्यू क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल के लिए सीएफएसी का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं कॉम्प्लेक्स, -0.6 वाई प्लस 0.4 एक्स, जबकि ऑक्टाइडल में क्या था, ऑक्टाइडल में था ये प्लस में था, ये माइनस था, क्या था -0.4 एक्स याद करो ऑक्टाइडल में, और ये क्या था +0.6 वाई था, जबकि यहाँ उल्टा हो जाएगा -0.6 वाई प्लस 0.4 एक्स। अब इसी के बेसिस पे हम सीएफएसी का कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी टेट्राहेड्रल, और आपको पता है मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया टेट्राहेड्रल लिगेंड्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, स्क्वायर प्लेन लिगेंड्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबको पता है यहाँ पे। वीक फिल लिगेंड्स के साथ अगर है, एक्सेप्शन को छोड़ दो, तो वीक फिल लिगेंड के साथ अगर है कौन सीए में, तो क्या बनाएगा वो, बनाएगा आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड के साथ अगर है सेंटर में डेटा अटैच तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा स्क्वायर प्लेन, इसके बाद हम स्क्वायर प्लेन करेंगे। तो इस वैल्यू से हम आसानी से कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, सी एफ एस ई, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी एफ एस ई, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के लिए। तो डायरेक्ट आपका काम का ये है, यानी कि अगर मैं बात करूं जेड वाले और नीट की, तो आपके काम का सिर्फ यहां पे ये है सीएफएसी कैलकुलेट करना। इसकी एनर्जी बहुत कम है, देखो ये स्लोप ये क्या है, देखो आप ये जो आप देख रहे हो, आप ये जो लाइन देख रहे हो बार, ये जो लाइन देख रहे हो बारिश में, इसके नीचे का, इसलिए इसका वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ये मिनिमम एनर्जी है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी इसकी एनर्जी क्या ज्यादा है, स्टेबिलिटी क्या होगी कम। तो कहने का मतलब है कि ये जो है तीनों क्या है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, ये बिटवीन द एक्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, इनके तरफ क्या होते हैं, लिगेंड जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, और इनके बीच में रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होगा तो क्या होगा, एस्टेबिलिटी क्या होगी बताओ, डिक्रीज करेगी एनर्जी, क्या होगी ज्यादा होगी, बहुत आसान है। चलो फटाफट लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यही आपका है एनर्जी लेवल है, इसी को बोलते हैं एनर्जी डायग्राम क्रिस्टल फिर। तो टेट्राहेड्रल लिगेंड्स जो होते हैं, टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, बिटवीन द एक्सिस वाले के तरफ क्या होता है, डिओर्बिटल क्या होते हैं, अप्रोच करते हैं, इसका आंसर क्या होता है, ये रिवर्स हो जाता है, तो एनर्जी भी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। लिख लो बेटा जल्दी, तो
बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत डी क्या जस्ट उल्टा है। सिर्फ आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना। अगर आपने ये वैल्यू याद रख लिया, ये कैसे है मैंने बताया था पिछले लेक्चर में ये पूरा, तो ये वैल्यू याद रखना है। और क्यों उल्टा है मैंने जस्ट अभी बताया, फिर से एक बार बोलता हूँ कि डी ऑर्बिटल जो होता है, डी ऑर्बिटल जो होते हैं, जो बिटवीन द एक्सेस वाले होते हैं, क्या होते हैं वो, जो होता है वो अप्रोच करता है लिगेंड्स, कौन सा लिगेंड्स, जो टेट्राहेड्रल लिगेंड्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन दो ही टाइप का पूछता है, या तो पूछता है आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का, या तो टेट्राहेड्रल का लिगेंड्स का पूछेगा आपका सीएफएस, या तो ऑक्टाहेड्रल का पूछेगा। तो अब देखो यहाँ पे, अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसके लिए, सीएफटी के लिए। तो सीएफटी फॉर किसके लिए, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर की अगर मैं डिटेल में बात करूं, तो स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या, सभी एक ही प्लेन में होते हैं। और स्क्वायर प्लेनर कौन होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, जिनका हाइब्रिडेशन क्या होता है, DSP2 होता है। सभी स्टूडेंट्स को पता है, बता दिया गया है, सबको डिटेल में बता दिया गया है जितने भी स्टूडेंट्स थे। अब देखो यहाँ पे, तो इसका कैसा होगा, तो इसका बिल्कुल ही ऑक्टाहेड्रल की तरह होगा, ऑक्टाहेड्रल की तरह होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। यानी कि कहने का मतलब इसमें भी क्या होगा, जो आपने ऑक्टाहेड्रल का देखा था कि जी ऊपर था टी टू नीचे था, इसमें भी वही होगा। लेकिन आपने देखा था कि डी जनरेटेड जो ऑर्बिटल थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, वो क्या हो रहे थे, वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहे थे, ईजी एंड टी टू जी में स्प्लिट हो रहे थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे स्प्लिटिंग जो होता है, उसके बाद यहाँ पे स्प्लिटिंग चार तरह का होता है। आपने देखा था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपने क्या देखा कि स्प्लिट जो हो रहे थे, डी जनरेटेड ऑर्बिटल जो थे आगे जाकर के, वो दो पार्ट में क्या हो रहे थे, स्प्लिट हो रहे थे। एक आपका क्या था, टी टू जी, और दूसरा क्या था, ईजी। तो T2G एंड EG के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, लेकिन तो ये क्या था, बहुत सिंपल सा था, बिटवीन द एक्सिस अलोंग द एक्सिस। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे चार अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं। स्प्लिट कितने पार्ट में होते हैं, चार पार्ट में। देखो यहाँ पे तो लिख लो जल्दी फटाफट, CFT4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब क्यों है स्प्लिट चार पार्ट में, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और एनर्जी ज्यादा होने से कारण क्या होते हैं, एनर्जी ज्यादा होने से कारण क्या होता है इसका, इसलिए होता है, क्या होता है कि ये सभी पार्ट्स में क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है बेटा, डिवाइड। जितना ज्यादा एनर्जी हो उतना ज्यादा क्या होगा, स्प्लिट होंगे वो, और इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम। आई बस समझ में। तो देखो यहाँ पे, तो ये आपका है एनर्जी का डायग्राम में बना रहा हूं। देखो डी जनरेटेड ऑर्बिटल है 1 2 3 4, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको इतना तक पहले से ही पता है, लिख लो जल्दी से। अब देखो यहां पे, ये दो पार्ट में फिर से डिवाइड होगा, वही ईजी और वही टी2जी, सबको पता है ईजी टी2जी, जितने भी स्टूडेंट सबको पता है कि ये इसको बोलते ईजी और इसको बोलते टी2जी। ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो जाएगा T2G, और ये हमारा क्या हो जाएगा, EG हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा dx² - y² - dz² dxy dyz and dxz, dxz, ठीक है। अब ये आगे जाकर के दो पार्ट में फिर से स्प्लिट हो जाते हैं ऐसे, dx² - y² की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो दो पार्ट सबसे ज्यादा एनर्जी इसी की होती है, तो वो सबसे ऊपर में आएगा। उसके बाद फिर क्या आता है यहाँ पे, dz² आता है। देखो दो पहले क्या होगा, पहले ये दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, फिर इसकी एनर्जी बढ़ी, तो कितने पार्ट में स्प्लिट हो गया, फिर से दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, dx² और dx² - y² अलग, एंड dz² इसके नीचे आ जाएगा। जल्दी से लिखो बेटा, फटाफट लिखो, तो पहले जल्दी से लिखो।
अब इस तरह से अगर मैं इसकी बात करूं, फिर से ये भी क्या होता है, ये भी दो पार्ट में स्प्लिट होता है। एक होता है क्या आपका, एक आपका ये जो आता है, क्या आता है, डी एक्स वाई, और ये बाकी दोनों साथ में रहते हैं इसके, ये दोनों साथ में रहते हैं, डी एक्स, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। दिस इज डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल, एवरेज एनर्जी वैल्यू लिख लो बेटा। यानी ये दोनों साथ में ही रहेगा, ये अलग से नहीं कुछ बनेगा, यहाँ साथ में रहेंगे क्या, डी वाई से डी एक्स, अगर नहीं भी अलग से लिखते तो कोई जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्क्वायर प्लेन में एनर्जी का सीक्वेंस कैसा होगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी भाई, तो जो सबसे ऊपर में है, तो किसकी हो जाएगी भाई, तो सबसे ज्यादा एनर्जी हो जाएगी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। उसके बाद सेकेंड सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी भाई, तो ये हो जाएगी आपकी डी एक्स वाई की, डी एक्स वाई की। थर्ड किसकी होगी, तो ये आपकी हो जाएगी डी जेड स्क्वायर की, डी जेड स्क्वायर का। सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, तो डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है। पहले ये दो पार्ट में स्प्लिट हुए, जैसा ऑक्टेटल में हो रहा था। ऑक्टेटल बेस मान के इसको याद करो, पहले ऑक्टेटल में क्या हो रहा, दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा था इजी एंड टी टू जी में, और इसकी एनर्जी और बढ़ जाती है, रिपल्सन जो कि ज्यादा होता है लिगेंड्स के साथ। तो क्या हो गया यहाँ पे, तो ये फिर से दो पार्ट में स्प्लिट होता है यहाँ पे, कौन, ईजी, डी स्क्वायर माइनस वाई से ऊपर जाता है, और उसके नीचे क्या आएगा, डी जेड स्क्वायर। सेम उस तरह से टी टू जी भी होता है, फिर दो पार्ट में फिर से टी टू जी पे स्प्लिट होता है, एक आपका आता है डी एक्स वाई, और एक नीचे क्या बच जाता है, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। एंड दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेंस एंड जे डबल मेंस एंड नीट, फॉर जे डबल मेंस एंड नीट के लिए ये क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ सीक्वेंस क्या होगा, एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी फॉर द डीजनरेशन ऑफ और स्प्लिटिंग, डीजनरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। या फिर ऐसे ही पूछा था कि बताओ स्प्लिट कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनके स्प्लिट कैसे करेंगे, तो स्प्लिटिंग का ऑर्डर ये क्या होगा, एनर्जी का ये होगा, और इसका रिवर्स कर दो तो क्या हो जाएगा आपका, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो फटाफट नोट करो बेटा, ये दो टॉपिक बचे हुए थे आपके कॉर्डिसन कंपाउंड के, जो लास्ट के लेक्चर मैंने पढ़ाया था सीएफटी ऑक्टेटल पहले ही पढ़ा दिया था, और उसके बाद का आपका स्क्वायर प्लेनर अभी, और इसके पहले वाला टेट्राहेड्रल, दो टॉपिक बचे हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो जल्दी से नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से लो। चलो ठीक बेटा, तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद का एक लेक्चर और मेरा अभी आएगा आपको, वो किसके लिए आएगा, वो स्पेशली एडवांस के लिए आएगा, क्योंकि देखो एडवांस में कुछ अलग से क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, किस चैप्टर से, क्वार्टिसन के में। तो जो पूरा जो लेक्चर रहेगा मेरा नेक्स्ट वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग मिस मत करना, सभी स्टूडेंट देखना। वो बेसिकली जो क्वेश्चन एडवांस पे आता है उसके लिए तैयार किया गया लेक्चर, कि कैसे क्वेश्चन एडवांस में आता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन, यानी वो टॉपिक बेसिकली जो मैंने कवर किया है वो एडवांस के लिए। हाँ, उस वो टॉपिक ऐसा है जिसमें से एक आध क्वेश्चन मेंस में भी आ सकते हैं और एक क्वेश्चन नेट नीट में भी आ सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो जो पार्ट मैं बताने वाला हूँ इसके वाला लेक्चर में, वो बेसिकली आपका एडवांस का ही है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, अच्छे से इसको देख लेना, इस पे क्वेश्चन सोल्व करो। क्वेश्चन कौन सोल्व करने, तो टेट्राहेड्रल के लिए आपको सीएफएसी कैलकुलेट करने के लिए देखना, ठीक है ना। तो चलो अच्छे से इस पे क्वेश्चन सोल्व करो, और उसके बाद आप अच्छे से इसके क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं। इसके बाद का एक लास्ट लेक्चर मैं भेजूंगा आपका, किसका, वो जो कि एडवांस करेगा, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर बेटा।